ग्राम मेवाड़ विकास खंड द्वारिकाल पट्टी लंगोरवाला जनपद पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड। ये गांव ते वाड़ा पुलिस नाम से जाने जा दो। ये घर से ये मके भी संस्कृत विद्यालय चल दो छाई तो कुछ साल लिख में चली, फिर परसों लिखाल में चलो विद्यालय, और वे के बाद फिर पता नहीं कौन कारण से बंद हुई है ये मेवाड़ गांव। गढ़वाल की संस्कृति का सभी दर्शक होते हैं सेवा सोनी सेमन यहाँ पहला गुड नमस्कार प्रणाम। मैं सुरेश बोलूनी और आप देख रहे हैं गढ़वाल की संस्कृति। आज मैं ग्राम मेवाड़ बजो एक जो जो प्रचलित नाम जो वार्ड है वार्ड पुल सो नाम से ये गांव प्रसिद्ध है। और एक जो वार्ड पोड़ी गांव नाम तो इन सुन में इनकी एक कभी गुइल बटे एक बराते है जगह बहुत पौन है इतना लोग छाए बरात में कि जो आखिरी दिन था वो गुइल में है, जो पहला दिन था वो वार्ड में पहुँच गए है। तो वह टाइम पर पल्लू से बने रौनक व्यवस्था करे है जो खेती में जो पल लगे जो पल रखे जाते खेतों जुगल करे जाए वे कौन बोलते वार्ड तो ये भी कारण से वार्ड वार्ड होना का बहुत पुराने बात से हमारे कोई बूढ़ दादा वगैरह है ना गुइल कोठा भीतर राय बहादुर साहब छे ऊँक लड़का की शादी हुए छे पर लिख बैठे बरात पर आए बल बात तो हमारा जो बुजुर्ग रहे वाल एक मोटो मरसु निकाल वाल मरसु दे दिया कि इतना गेंद लेन और जो थोक वालो थोक लेन एक बन की बल गुइली और है एक बन की एक और एक बन की खैकन फंड जाना और है एक बन की खाना को आना ये तो बरात रहा बोलो उन लोगों को राणा कौन वे टाइम पर वो छप्पर बने इन तब सब लोग उन छप्परों कारण से जो चो एक नाम वार्ड करे गया तब बुए मा ब्रिकेट मा उन नाम तो निधर मे वार्ड जो वो पहले लोग जो चौल बना चाहे तो मांड पसंद चाहे एक तो मांड भी इतना इकट्ठा हो गया वाली गाँव मुड़ तरफ गिरदार आप तो बाहर ब्याह हो गया ना तो वो कम रुक था बोलो कुंडो से वह पानी दगर पतल बोल के कन पतल गाड़िए इन बार तब वह कौन पतल गाड़ बोला ना रेखम गिरदार बोला हाँ बिगड़ू तो नहीं थी आतंक मचाई ना तो आतंक कहीं नहीं मचाई जा तो बिगड़ू मचा आ कम अर बस जी अब कुछ ना तो चाह बना दे बस बड़ी परेशानी हुई क्या कर अब एक तो उजाड़ खरे चपड़ कुछ है लोग बोले सर रही को आचो बंदा गोर बकरी तो तन रोड जब कटान होने चाहिए तो उगड़े के पत्थर छोड़ जाए मकान टूट जाए आज तक भी सरकार से हम तो ये मैं कोई मुआवजा नहीं मिल कुछ नहीं मिल क्या साग बोलो जा क्या नाम क्या जाए गांव अकड़ ले जा दिखने जे चारों तरफ कण दिखने जे आचार्य सूर्यकांत बरौनी जी की छन्नी छाया कभी लेकिन अब तो यहाँ रास्ते भी नहीं रहे बढ़िया हाँ छत में बैठ ला माल्ट कम दिखा दे रहे तू तू कक पढ़ दी क्या क्लास बंगल दिखना को नहीं मैनू जो हो सब तो खेद ना बन गया रुटी हाँ देर हो गया राम नंबर है तू अच्छा तो क्या बनू नाश्ता में बंद कमरा बंद है उपयोग नहीं मतलब खराब होना चाहिए डोंट बंग हुए ना ऐ ठीक है एक बढ़िया से ये बढ़िया जाए
अब सीजन भी ये पानी में कोई नहीं आंजल में दुनिया भर ये बैदराज जी मकान जी नैने बरुणी जी बहुत प्रसिद्ध बैद है हमारे क्षेत्र के। हाँ जी बढ़िया सब ठीक से ना आने सो मैं ना जाने सो भी आचरण जी बोला ठीक ठाक है। हाँ आने सो भी अब माल टेरे गए ना लोग तो छे नहीं थे ना ठीक जी ठीक जी। हाँ अच्छा एक ट्रक है तो कई ट्रक हो जाल इस कई ट्रक हो जाली थे अब कंडली रहे हैं जी तो कंडली की वीडियो तो बना जब कंडल निशाय तो उन निशाय उन वीडियो बन साहब कंडल से तो कंडल दिखे बना। हाँ जी कम भी घर में कोई नहीं तरन जी बोला ठीक ठाक है ये बहुत पुराने तिबर जी भाई ये एक तिबर मुड़ी मुझे आज गिरजा संगत आओ जी बच्चा जी अरे क्या है जी चलो जी तिबर तो बढ़िया जी रे। हाँ क्षेत्रीय कारीगर हो जाए और यू मकान खास दिया जी की यू में जो चीज भी ये क्या लकड़ी जो पत्थर जो ये पत्थर है ना ये पत्थर है और ये मैं जो छज्जा है ना ये तो क्यों जाए ना खोद गया देना ये खान खाने की जाए खाने की जाए जबकि कोई साधन नहीं जाए लेकिन तभी लोग बहुत बड़े बड़े मकान बने बम्बू। चाहिए नमस्कार और ठीक ठाक ये है ना हरिश्चंद बरूनी जी आचार्य जी। अब तुम इन बताओ और सब ठीक ठीक है वाड़ा नाम वाड़ किले पहाड़ वाड़ किले पहाड़। हाँ वाड़ा नाम वाड़ वाड़ किले पहाड़ नहीं 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 पता बुढ़े हो गया तुम तो कहीं नहीं पता पता नहीं भाई मैं तो नहीं पता तो क्या है तो पूछ ले वाड़ा साग सब्जी भी फल फूल भी ना पर मैं नहीं देने लोग लगे एक बंद नहीं है मतलब दुनिया भर छे जन अरे लोग कनक बच गए ना लोग घर में हाँ हमारे तो घर बनाने बाद भी नहीं बचो गरे टमाटर बहुत स्वादिष्ट होंगे और खराब नहीं होने जल्दी से एक चटनी बहुत बढ़िया होनी साग सब्जी दाल मगर चार टमाटर पोड़ गया तो स्वाद में चार चार चांद लग जाए लेकिन ये आजकल पालक कर नहीं पकड़ नहीं और ये खासियत है कि बरसात में और टमाटर सड़ते हैं और बरसात में ज़्यादा हो ये चंडी प्रसाद जी घर से वाड़ा के पर चंडी प्रसाद जी पे गौरव नहीं सन क्या कहे हाल सामने पर पगारी गाँव पगारी जे पगारी ऐ परसों लिखाल परसों लिखाल बढ़िया सड़क से अगर ई साइड जोला तो कोटद्वार गुमखाल और ई साइड जोला तो टूरिस्ट केस देहरादून और यू च लोहा बड़ एक लोहा काम होने चाहिए लोहा औजार हथियार वगैरह बनना चाहिए लोहा बड़ और ये पता छनी वो ये बगल में ये पता छनी जे ऐच रोड चल गया डांडी डांड पल तरफ से लोगी जे और मथेधार मचो घोड़ियो मथे घोड़ियों जे और वे ऐच गुल्ला ये गुल्ला धार मधी खेणी एक रानी गढ़ बोल दें कि कभी एक
राजा रानी रेंज है और एक खंडर से निकल बहुत से लोग बताते हैं कि गुरखों टाइम पर जब गुरखों आक्रमण है तो लोग डांड में चल गए और कों के मकान बने जाए। और ये जो बागों गाँव से सिलो के नज़दीक ही हो और मुड़े तरफ से अटाली यू अटाली से अटाली और ऐसे मुड़ी से ये भी अटाली में वरगड्डी मान और मुड़ी से वरगड्डी गाँव अगर यहाँ पर थोड़ा डाल देगी ना जिससे दिखा नहीं चाहिए वरगड्डी गाँव से। और यह सड़क आनी से मष्टखाल पुल्यासू वरगड्डी उतिंडा बंदिला बरगड़ी और बाड़ियो यू उतिंडा से सामने पर उतिंडा उतिंडा गांव ये सब उतिंडा की चीज सब जितने मकान दिखने से और इना जो तो सतपुली और बाड़ियों देवप्रयाग ये सब ये रोड जानी चाहिए परिवार हम वाल्मक छा ये बैठे जन भाई मुकेश बलूनी जी और इसे हरीश चंद बलूनी जी वाल्ब था और वाल्बड़ी उन्हें ज़्यादा दिखाना चाहिए मदन मोहन बलूनी जी गौर से ये घर में किन्हें रहना नए मकान बड़े यार ये पढ़ो लोग मकान छन जो जो परंपरागत गौर से निकल गए फल टक तोड़े लगे थे लेकिन खाणो कोई नहीं सब धड़े थे प्याज प्याज के पौध लगे थे माल टक हो एक नाशपाती भी बहुत हूँ कह चाचा जी जी आ ना मैंने दिखे हेलमेट दिए छे आई और निरय साहब भी ना चैन भी गारी अच्छा आ तो मी एक गोड़ भी ले गयो नेल भी टेक अच्छा आ तब गोड़ भी ले गयो और तब अब उम्र भी हो गया अब कब से बसा दो दिन हाँ दो दिन को अच्छा हाँ दो दिन तो ये कलवाड़ भी छे पर तब अब इन उम्र में हैं 65 साल की उम्र हो गया आई और अब से लौड़ खून का कि ऊन नीचे आजकल बड़ी समस्या है हाँ आई तो बुना ना लोड़ खोड़ का क्यों नहीं होना चाहिए बहुत बड़ी समस्या है सारा दुनिया परेशान है बस जी और एक खेती बाड़ी में ना कुछ ना खेती बाड़ी बस पिछले समय में मेन से फसल में मेन रहा यहाँ से यहाँ बुए छे ही मतलब पाल तो इतना भटक पर कुछ नहीं हुआ और अब से संतरा माल्टा छन तो अभी गुण बांधर पर वो गुण बांधर भी हमारे पिछने तो छन था ना अब वो भी खाना छन तो जब लगा यहाँ छन पुराणों के डाल तो तभी खाना छन बिगड़ू तीन आतंक मचाई हाँ गोर बखरी खाना छन घर में घास पुल नहीं कटन दिया हुए इन कहते ना अच्छा सब सब बिगड़ू थे गोर हाँ बिगड़ू तो आतंक ही मचाई ये तो आतंक कहीं नहीं मचाई जा तो बिगड़ू मचाई ऐसा ये तो गुण बंदर भी नहीं मचाई ना ये तो गुण बंदर भी नहीं जाए अब बिगड़ू तो हम कौन इन बुनाया कि क्या अब बुन क्या आ सकता क्या बोल आप दस तो ये सब एक दगड़ो और आनो चे ये कम और बस जी अब बस कुछ ना तो चावन है दे बस अरे भाव जी तू तो गाल ना दे बस जी अब ई ऊंच ना बड़ी परेशान हुई ईच क्या कर अब कब तो पहुंच गए निक भाई हाँ के लिए वालो वो दगड़वा देते कि दे में हुई वाल ये कोडमा तो मुड़ती करने यार रिंग उठने से किन्नारी के डाल खूब चुन मुड़ी जंगल हो गया सर अखोड़ भी है सर कौन देखो ना जंगल है सारा गाँव अजू कह जो लोग अच्छा ये बरसनन जी बरसनन जी इनमें निकारी देखभाल हाँ दद्दी तक तो चाहिए
तो पूरा खंडर हो गया। ये तो ये लगड़ो कि कई वर्ष पुराना खंडर से। हाँ दीवार तो भी बढ़िया छो एक ऐज भी टूटनो ये घरे टमाटर से ये कके भी हो जाते हो अपना भी एक बीज जल जनी इतना कह जन लाल लाल ये लाल जनी जड़ल अपना आप फिर जम जाल भरोसा का कौन भेजने टमाटर खाली चटनी तो हा कि गम नजर नहीं लगनी इतना झड़े हुए कनोल थोड़ी ज्यादा सर मल डे पता सब धक्के खाने से कोई नहीं पुजनो खटुली मुझे इले मुझे खटो हाँ जी ये आचार्य सूर्यकांत बोलने जी घर मत वाल अच्छा मत मदन मोहन जी नए मकान बने थे अरे सूर्यकांत जी आचार्य सूर्यकांत बोलने जी ये भी कोई नहीं कोई रोन जी मकान पर पहले तो मास्टर लोग रोन जाए अच्छा हाँ बूढ़ी हाँ ठीक है ना अच्छा ना घर अच्छा प्याज प्याज लगे तुम प्याज लगे नीचे प्याज लगाई बल महेशन जी भाई साहब नमस्कार हाँ बढ़िया ठीक ठाक संतरा मौसमी माल्टा लींबू बहुत बढ़िया जबरदस्त बगीचे से खूब डाल दिया फल फूलों का कंगली भी नहीं लगाई हुई वीडियो बनाने थे तो बोली तुम्हारी उम्र का तो खेली है मेरी 80 80 साल हां 80 हो गए अच्छा घर में एक मैया सर मेरा नाम हां अब बाकी वो रिस्की स्थान अच्छा वो ना नदना वो पढ़ना था ना हां और बुआ नौकर करनी अच्छा तो ये जगह घर में था भी क्या था अपर बाल बचा पढ़े लिया बैग के देनो था तो सरकार तो क्या वो हम कौन तो कुछ नहीं रहा हम तो तब खा हमार बारवा तो बारे से मिल लिया कि पैर तो दो रुपया मजदूर भी मुश्किल से मिलती थी है अरब 1,000 और 500 वही तो रोमा पटूंग नहीं बुरे हो वाड़ बोदा नहीं खो कौन पर वाड़ हम लोग बोदा वहाँ वाड़ के लिए बोल देता पता नहीं भगवान था जब मैं वाड़ते तो लोग तो नहीं बोलेंगे वाड़ पुगे हाँ तो ये तो बोलना चाहूँगी दुई नाम पौड़िए ना तो कारट माँ वह माँ तो उनको मे वार्ड लिखे हों और गीता नाम ने वो वार्ड बताओ कि कखा चाह कि वार्ड अच्छा होवे अच्छा ये नहीं हो तो वो अपार दिन खैन काट रहा था तो खैन काट रहा आपका फोल गाँव हुई हूँ तो है ताई जी है? तुम तो बिल्कुल पुराने बात याद की जब बली के एक ब्याह हुआ था ना बल का एक ब्याह हो बहुत पहले ना बरात नहीं आया था बलिक और जबकि मांड बोग ये कन क्या था बलिक कन बोला हाँ वो ये ना हमें बोला वो तो मिटा भी नहीं या तो तय गिरा धार हम तब तो बदन गिरा धार वो कम मांड घेर बन चाबल है वो कम पातो लोकार वो एक ये पानी घेर बन चाबल पातो बोग एक तो बन मुड़ गया था गदन ना तब पातो गाड़ वो पातो गाड़ जब पातो गाड़ बोला यूं कुड़ू मुड़ पार नहीं है पारो हाँ तो वो क्या चाबल पातो बोग ये कतो एक ला एक हजार बल्कि 2,000 पौने थे है और एक बन की बल गुली और है बन की एक और एक बन की खैकन फण जाना और है बन की खाना खुनाना ये तो बरात रहा है बोलो चौ पसेकन और वो अच्छा धोए कर पसेकन ये गिरोदार आप तो बहुत ब्याह हो गया ना तो वो कम रुक जा बोलो कुंडो से चौ धुआ पैन हाँ तो चौ धुआ पैन और वह पानी तक पतल बोगी कन पतल गाड़ गए बार तब वह कौन पतल गाड़ बोला ना रेखम गिरोदार बोला और मेवाड़ नाम से तो ताई जी को बोला पुराण हो कि ये राजा रानी उगड़ बीच में थे ना रानी उगड़ जाकर बोला रानी उगड़ चुको हाँ रानी उगड़ चुको वो तो अब नि बै बाबा बिंड साल ये नाम नि गया में और वो तो पहले अपारते वे जा दे ये मर्त सकनाना को ऐ चतनु तो वो कम तो बोलूं कि दोनों तो पहला में दोनों देखना कौन दान चाहे
अच्छा गुफा छे जा भी छे जा रे ये देखो हमारी ज्यादा गंदा कुछ छिंचाड़ने में मोड़ी वो छिंचाड़ा कहन ची एक दो हां तो वो गदान थे हम दिखना कोने हां तो वो छाबल पर उनको अच्छा परे रहन जाओ परे रहन जा बोलो चेड़गन भाई महेशन जी नारंगी डाल दो नारंगी ताजा ताजा बिल्कुल ताजा सिंह साहब भाई देखो नारंगी नारंग तो अब ये ना देखो वाड़ा की नारंगी कगी चीज है कागजी नींबू पगे पगे थोड़ा दूर से ना मत संतरा माल्टा डाल पिछले हाँ कान होने वहाँ थोड़ी मत दिक्कत होनी लेकिन भाई साहब संतरा धन्यवाद गुण बांधे नहीं गुण बांधर नहीं ब्याज बना सारा डाल खाल कह गए ना पास सब खेद सब अपार दी थी टमाटर खोर गए ना गुण बांधर बड़े समझ करी जी यार वाला इतने सारे ले डाले गुण बांधर सब डाल खाल कर दिए ना नारे के संतरा सब खत्म कर दिए पर तो सोडियो सब गुण है जा और मारो ना बल होता तो बुरा भी ना मारो मूस भी ना मारो मन कुछ नहीं आ? मन कुछ नहीं जे तो ईद बुन तो के ना मारो बल तो हम लोग हुकुन तो हुई परेशानी जो जगह पर आ लोग हुकुन क्या होते ये घर घर छोड़ी कन के जाना का कि मैं माल तभी भैया छोटे छोटे के जन पहले ना बड़ा हां हां वो मैं देखभाल नहीं हूं भरोसानंद जी नया कमरा ची हो भरोसानंद आवास विहीन कार्यदायी संस्था विकास खंड द्वारिकाल और पगारी चाहिए पर पगारी पगारी कैंस पर लिखाल प्लाई ना कारण मुख्य कारण तो देखो यही चीज सबसे पहले कि एक हम लोगों को सुविधा नहीं रहे जो जो कि शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी शिक्षा एक पहली हमारे पुलियासु में आठवीं तक विद्यालय है और वे वजह होने कारण जो कि एक बड़े कम से कम 3-4 किलोमीटर 40 सेन पैदल बच्चों तक जान पड़ दो अब तो हाई स्कूल तक पुलियासु में भाई गई अभी भी जो जो कि 11th 12th जो कि 40 सेन जान पड़ दो पर अब तो रोड से भी जो जो रोड जुड़ गई तो पुलियासु तक ये भी सुविधा हो गया छे और मेन बात है कि स्वास्थ्य कोई भी अगर बीमारी गाँव में हो जाना चाहिए तो घोड़ा कुर्सी माध्यम से 40 साल तक पहुँचान पड़ जाए तो ये वजह से एक बड़े प्लान होना कारण मुख्य कारण जो है यही प्लान होना जो पुराने लोग उस समय चाहिए तो उन लोगों ने पर खेती बाड़ी से जुड़ी जो कि यहाँ पर जीविका चलाई लेकिन आज के टाइम पर जो कि बिना पैसों कोई कारण कोई चीज नहीं आज के टाइम पर देखो बीमारी इतना होगी ना कि हर घर में जो कि दवाई चलना चाहन तो मेन कारण यही है कि देखो हर के तक कमाने को वास्ते बहन निकलनी पड़ना चाहो क्योंकि घर में जो चुकी इतना वो नहीं तो यही कारण च कि एक बड़े प्लान होना आप देख लिया पूरा जंगल बन गया पहले गाँव में रौनक रहें अब तो गाँव में कोई भी नहीं च सब जंगल बन गया सब घर जो चुकी सब खाली पुड़िया छन ताव लग गया छन हमारे भी एक समय पर ताऊ मकान च हमारा मेन मुख्य कारण जाना क्यों कि जो ये सड़क आनी च ये मस्टकाल उतरिंडा मोटर मार्ग तो जो मोटर ये दिखाने सामने पर तो ये रोड आप घर है हाँ हमारे घर का है तो रोड जब कटान होना चाहिए तो उगड़े के पत्थर छोड़ जाए पत्थर छोड़ने का कारण हमारे जो जो मकान खंडित हो गया मकान टूट गया आज तक भी सरकार से हम तो ये हमें कोई मुआवजा नहीं मिल कुछ नहीं मिल हमारे जब मकान टूट गया हम 4 परिवार घूम रहे चाहिए मेरे पापा जी और 4 भाई चाहिए तो तब सभी जो जो मकान छोड़ आज तक भी हम तो ये कोई लाभ नहीं मिल मुआवजा कुछ नहीं मिल कुछ मुआवजा नहीं मिल अभी तक दुई और खलसन का भी एकम कहते जगह नहीं मिलती रेवेल न मन आज नवाल एकम कुटना को लेकिन आज खाली पड़े हैं घास सूखेगी और ये फूल बढ़ना छन वे बाद पर सुल दगली परकुंडा बहुत पुराना मकान जी और कभी एकम बहुत भीड़ भाड़ होने एकम संस्कृत विद्यालय में चल कुछ टाइम तक
लेकिन ये वर्ती का गोटा रस्ते भी बंद हुई जी बिल्कुल, सब झाड़ी झाड़ी हुई है बुजड़ हुई काल खोल कंडली कुर्री कई चीजें में ना। तो यू घोर चो ये आचार्य तो गौरी शंकर शास्त्री जी से पहले, वे बाद सुपुत्र बहन श्री गिरिदास शंकर शास्त्री जी ऊँ घर चो और कभी बहुत भीड़ भाड़ होता है, लेकिन आज पूरा घर ये कुर जमे से नहीं वहाँ कूरी कूर जमे पूरा घर में इन लगन कि कभी इतना भीड़ भाड़ घर में एकदम संस्कृत विद्यालय चेल हालो इतनी बड़ी चीज पुरानी यो रास्ता ऊपर गड्डी उतरिंडा चल जाओ। और यो घर से गजेंद्र लाल जी घर खूब छाओ क्या साग बनू जा के तूफान बनू सा बहुत बढ़िया बैड भी बनाने था बैड नहीं बनू कुछ करो माल्टा माल्टा तुम तौल बने तो खेरे ने ऐसे ऐसे रहे हैं माल्टा खूब सुन लग गया। नमस्ते बच्चा नमस्ते नमस्ते ये बच्चा लोग जन तेरा नाम क्या है जोर से बोल राधिका राधिका तू कत घूम पड़ दी एक हम तेरा नाम क्या लवली लवली और तू कत घूम पड़ दी पांच हम एक पुलिस हो आई नाम क्या साधना साधना तू कत घूम पड़ दी चार हम पढ़ दी आई कुछ है अच्छा नमस्ते ई का ग्रंथ नहीं हूँ तो दिल्ली कपड़े तो बहुत साल हो गए ये राम नवी देख तुम अक्का देना तुम लैंड क्या जी अच्छा भैंस नहीं ना अच्छा घोड़े पाने मुश्किल हुई जी घास भी तुम्हारे लगाई हो तू नहीं डाल दो भरे सको तू नहीं डाल दो और ये तौल से घेरा धार ये घेरे के धारा में जो चौंध हुई पानी कट्ठे हुए है एकदम हो जाओ अब तो एकदम जंगल हो गया जो कुछ उजड़ भी गया ये घेरा धार से और चौंध हुई पानी एकदम कट्ठे हुए है खेची लाने पड़नी हो भैया एक तुम्हारे बिकला चुनते लाल जी बैठे जन बकर चढ़ाने जन कद बकर सुन बोला अच्छा दस बार बकर दस बार डिवर घोड़ा चार पांच घोड़ा घोड़ा में कुछ ही भाई अच्छा और ठीक ठाक सब बढ़िया एक तो उजाड़ खरे चपड़ कुछ है लोग बोले सर भाई उजाड़ खराब होगा अच्छा क्यों नहीं गोर बकरी नहीं चल भाई जी हाँ बस बकर बिगुर का सफेद रे क्या सर बटे सुन दुगिल सुन सर बांस डाल पुराने तो मुझे हाँ ये बहुत पुराना बांस है साहब ये उबड़ी है सर फिर एक तल हुआ है पर एक अब अपना भाव दोबारा ये घोर में सुप्रसाद बलोनी जी और केशवानंद शास्त्री जी घोर से ये लोग भी अब कोर हरिद्वार होना चाहिए घोर में कभी कभी आंदन आज ही शायद सवेर घर से पानी टंकी से उन्हें बाथरूम से जो तो सभी कुछ है लेकिन लोग प्लान कर गए इतने मुझे साफ खट्टू मीठू ले मुझे अरे माल्टा छन सब कुछ मुझे लगभग तैयार होने वाले से आज उपेंद्र भाई और मुकेश भाई बनाना छे अरे लाओ लून छीलती है ना हमरा अब जल्दी लाओ से लून ये लून पे छोड़ो जे लून रहे नहीं रहे मैं कह रहा नहीं कर ज्यादा रोने रे लूर दो तो पैंट पियो डाल सर दिन भर रोना कही है ये भी मैंने बहुत गुस्सा पे पैंट का गुस्सा है क्या कैमरा तब हम जो बड़ा है नहीं मुंह पर भी नहीं मैं कोबरा से ले भी नहीं नहीं मुंह बड़ा छोड़ो नहीं अभी है ना ये बाप रे कितने चल के बनने मुंह के छोड़ गए हैं दो पे डाल दे रे और सुबह एक ही खड़ो है अब दुई जाएगी जोड़ा गया दो कबूतरों को और एक घर में एक रहा नहीं वाड़क नाम इन जाए कि कभी बहुत पुराने बात से हमार कोई बूढ़ दादा वगैरह है ना तो गुइल बिड़े के एक शादी हुए छे एक
गुइल कोठा भीतर राय बहादुर साहब छैबल कोई अंग्रेजों को उपाधि दी छे। तो ऊँ लड़का की शादी हुए छैबल के बेटे, तो बारात पर आए बल बात, तो हमारो जो बुजुर्ग रहवाल जो तभी गुस्सा में उनके काम कार बल कि एक मोटो मरसु निकाल मरसु दे दिया कि इतना गिर लेन आ जो थू वालो थू ले तो इन बता एक उनके गुइल बेटे बारात चलनी छे एक मतलब बैठना चाहे वो पौन मतलब बारात चाहे कि है हाँ ये बारात गुइल भी चाहे एक बीच तो उन लोगों कौन राणा कौन वे टाइम पर वो छप्पर माने इन तब सब लोग उनके लिए वे समय में तो जजमान लोगों को बहुत सहयोग रहन जाए तो उन कौन राणा कौन छप्पर माने तो उन छप्परों कारण से जो चो एक नाम वार्ड करे गया था वे में ब्रिगेड में उन नाम तो नहीं मे वार्ड जो है पर वही के कारण तब एक नाम ब्रिकेट में तब वे में रिकॉर्ड में तब वार्ड रखे गया। और वो एक तो और भी बहुत किस्सा छन कि मांड जो पहले के लोग जो चौल बनान चाहे तो मांड पसान चाहे वो एक तो वो मांड भी इतना इकट्ठा हो गया वाली गाँव के मुड़ तरफ कि पतल भी वो घेरा से बन गया तो उसका नाम भी वेबर बेटे जो घेरवाधार पड़ गया मांडक वे पर बाद में वो पतल इतना वो हो गए बल्कि तब ऊँ तो वो रोली रोल जब ऊँ ठ्याल से तो मुड़े गदन डाली कहन बल सब तो ऊँ पतल के नाम पर उखा गुण आज भी पतलगढ़ बुलदन। जब गोरखों का टीरी राजा युद्ध हुए जाए तो राजा जो चो लड़दे लड़दे वो बटे भगत भगत इकाए बलती एक भी एक रानी महल छ वो एक नामिया भी रानीगढ़ छ तो वो बुजुर्ग जब वो बटे अमरदगढ़ वो आया चल तो वो एक बल पहल एक मंदिर का स्थापना कर दिया थे देवी डांड बोलता नो कौन तो एक हाँ एक बबलक बुट्टा और एक रड़क पत्थर हूँ मतलब और दियोण त्रिशूल वो तो हम तभी अच्छी तरह से याद चूँगो एक ही। वो एक बात जब राजा एक बेटे लड़दे लड़दे अग्नि गया वाल तो मापगढ़ गया बोल मापगढ़ बेटे अग्नि चले कुछ हुए कि कार्यकर्ता उन बेमनी कर दिया तो उसको जो चो राजा मरे गया बल तब वो लोग एक अनपहल बल कंडा खिण बसिन और कंडा खिण बेटे तब जो चो फिर मस्ट बसिन मस्ट बेटे फिर बलुणी गाँव बसिन लेकिन बलुणी गाँव भी ऊँ पसंद नहीं आया बल तो ये पानी ना वो लोग इनसे सब पंडित छे ना पंडित और वैदाई प्रमुख काम छे उन लोगों तो ऊँते बल वो स्थान पसंद नहीं है तो जब वो इकन थे एक बेटे बल इन बता कि वो समय में सीधा बद्रीनाथ पर नज़र लगे छे तो ऊँते एक पसंद है गया तो वो जो कुछ एक बस गए कुछ कंडा कंड रह गए फिर कोई कहकी मना इना उना फैल गए जो हमारे दगड़ में भाई विनोद बलोनी जी जो दगड़ मन वाड़ा यात्राकार गाँव में अपन देखेवाल के घर घर तक कन्नौल जम गया सब पुंगड़ बांझ पुड़ गए तो पलायन एक बड़े गन लगभग मतलब 50% से ऊपर पलायन हुई 80% पलायन हुआ वालों पलायन बहुत ज़्यादा हुई जो तो भाई आपके क्या कारण बन था पलायन पलायन देखो भाई सबसे पहले वजह तो यही जो कि हम लोगों को एक सुविधा नहीं रहे आज अपन आपने मेवाड़ गाँव की यात्रा कराई मेवाड़ गाँव का भी बहुत प्रसिद्ध गाँव है विद्वान वैद खेती बाड़ी फल फ्रूट सब्जी सब चीज़ ठीक होनी चाहिए लेकिन अब गाँव में कण देखो दिखण से पलायन के मार झिन्नू से गाँव गाँव पर लगभग 80% लोग पलायन करिए नहीं तो वीडियो आप तक कर लगी अपने विचार कमेंट का रूप में जरूर देनी फिर एक है वीडियो में मिलना है गाँव आप तक दिखोला तब तक का वास्ता धन्यवाद नमस्कार प्रणाम।